हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रमिला रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं वेरी टेस्टी वेरी डिलीशियस फ्रेंड्स वेज मंचूरियन रेसिपी। फ्रेंड्स, कैसे बनती है तो चलिए चलकर देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रमिला, प्रमिला की रेसिपी में आपका स्वागत है। तो ये लजीज से टेस्टी से मजेदार रेसिपी देखते हैं वेज मंचूरियन। फ्रेंड्स, तो चलिए मंचूरियन के लिए हमने यहाँ पर एक कपड़ा ले लिया है मलमल का, और यहाँ पर हमने कैबेज ले लिया है। देखिए एकदम बारीक कैबेज आई है, एकदम कद्दूकस की भी। अब इस कपड़े में इसको हम डाल देते हैं, और ये हमने ले लिया है फूल गोभी, इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसकी एक पोटली बनाएंगे, और जो इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो हम इसको निकाल देंगे। अब इसको हम घुमाते हुए इस तरह से घुमाएंगे, और जितना पानी है इसका एक्स्ट्रा वो निकाल देंगे, और इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं। या तो आप आटा गूंथ सकते हैं, या इसकी ग्रेवी जो हम बनाएंगे उसमें यूज़ कर लेंगे। ये पानी हमारा निकल चुका है, अब इस पोटली को खोलेंगे, और हम ये देखिए एकदम ड्राई हो गई है। इसका ये सबसे बड़ा ये बेनिफिट ये रहता है कि आपको इसमें एक्स्ट्रा जो मैदा डालते हैं, कॉर्नस्टार्च डालते हैं, वो कम डालना पड़ेगा। 3 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, 2 टेबलस्पून मैदा, 1/2 टेबलस्पून सोया सॉस, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस। अब अच्छे से इसको हम बाइंड कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी एक्स्ट्रा इसमें पानी नहीं आ रहा है, और कम कॉर्नस्टार्च और मैदा में ही हमारा ये अच्छे से बॉल्स इसके रेडी हो जाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से बाइंड हो रहा है। इसी तरह सभी बॉल्स इसी तरह तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, और इसको खूबसूरत बनाने के लिए गोल कर लेते हैं। सभी बॉल्स को हमने रेडी कर लिया है, अब इनको फ्राई करते हैं। यहाँ हमने तेल को गर्म करने रख दिया था, लो फ्लेम पर ही इसको हम फ्राई करेंगे। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे स्टार्टिंग में तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। सभी को एक साथ नहीं डालेंगे हम, एक साथ आप 6 से 7 भी इसमें डालें। हमारे मंचूरियन एकदम गोल्डन हो चुके हैं, लो फ्लेम पर ही इसको हमने फ्राई किया है। इसी तरह से हम सभी मंचूरियन को फ्राई कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया, उसको गर्म कर लेते हैं। बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक, ज़्यादा इसको हम नहीं भूनना है, बस हल्का सा छोटे करेंगे कि इसका ये जो कच्चापन है वो निकल जाए। बहुत ही बारीक चॉप किया हुआ अनियन, इसको भी हल्का सा छोटे करेंगे हम। 2 टेबलस्पून हम ले लेंगे कॉर्नस्टार्च की सलरी तैयार करने के लिए, पानी डालेंगे इसमें थोड़ा सा। बारीक चॉप कैप्सिकम, इसको बस हल्का सा हम इसका निकालेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए, बस बहुत ही हल्का सा, सिर्फ 1 मिनट। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है इसको, अदरवाइज ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। सॉल्ट डाल देंगे इसमें, सॉल्ट कम ही ऐड करें क्योंकि हम इसमें बाकी सॉस ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1 वेजिटेबल स्ट्रॉक। आपके पास नहीं है तो आप सिंपल वाटर भी ऐड कर सकते हैं इसमें। कॉर्न स्टार्च
इसको लगातार चलाते रहें। विनेगर 1 टेबल स्पून, टेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रीन चिली सॉस ऐड करें इसमें, जितना आपको तीखा पसंद है थोड़ा। बॉल्स ऐड कर देते हैं इसमें। ग्रीन कोरिएंडर, गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। देखिए कितने मज़ेदार हमारे वेज मंचूरियन रेडी हो चुके हैं। सर्व कर देते हैं इनको। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे वेज मंचूरियन बनकर रेडी हो चुके हैं। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी फ्रेंड्स? तो आप हमारी इस मज़ेदार सी वेज मंचूरियन को अपने घर में बनाइए। प्रमिला की इस रेसिपी को फ्रेंड्स लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन को जल्दी से कर दीजिए फ्रेंड्स प्रेस। तो फिर से मिलेंगे आपको एक न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।